बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चों ने अपनी 1.2 का काम था वो सारे का सारा कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 में, जिसकी डेट देखेंगे आप 16 जुलाई। डे हमारे पास थर्सडे है और हमने यूनिट नंबर 1 को ही स्टार्ट किया हुआ था। उस जहाँ तक मुझे याद है 1.2 का काम हमारा हो चुका था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 1.3 और 1.3 के देखें कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सॉल्व और क्वेश्चन नंबर करेंगे 2, ठीक है। सेम उसी तरह से काम होगा कि कुछ पार्ट्स मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ और कुछ आप क्या करेंगे खुद करेंगे, ठीक है। और सारे का सारा काम हमारा नीट रजिस्टर के ऊपर नीट होना चाहिए और साथ जो रेलिवेंट डेफिनेशन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी के सारी आप लोग करेंगे अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड करने के साथ साथ उनको करेंगे आप लोग लर्न। 1.3 सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसकी थ्योरी रिवाइज करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास चंद एक डेफिनेशन होंगी। जिसमें देखें सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास पेज नंबर 9 पे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, कि हमने डिफाइन करना है डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स एक्चुअली हैं क्या, ठीक है। तो बच्चों ऐसे दो सेट्स जिनमें हमने क्या करना है, देखना है कि इनमें कोई एक एलिमेंट कॉमन है या नहीं है, ठीक है। अगर तो इन दोनों सेट्स को कंपेयर करने से हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आया, ठीक है, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हुआ, तो ये हमारे पास सेट्स कौन से होंगे, डिस जॉइंट सेट्स कहलाएंगे। डेफिनेशन पे आए सारे बच्चे ज़रा। टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, कोई भी नेम हम कोई भी सेट को दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, डी दे सकते हैं, ठीक है, एक्स भी दे सकते हैं, जी भी दे सकते हैं। दो सेट्स उसने लिए हुए हैं जिनको वो नेम दे रहा है ए एंड बी, अ सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स, वो कह रहा है तब इनको हम डिसजॉइंट कहें इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन इन दैम, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर तो इन दोनों सेट्स के दरमियान हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हुआ तो ये दोनों सेट्स आपस में क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहा है इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज़ एन एम्प्टी सेट, अगर इनका इंटरसेक्शन में, तो हम इस तरह से ही कहते थे ना कि जो भी कॉमन होता था उसको राइट कर देते, ठीक है। वो कह रहा है कि इनकी इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगी, ये एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। और लाइक हमने कोई भी सेट लिया हुआ है ए एंड बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा वो, और उसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी वो एम्प्टी सेट मतलब नल सेट के बराबर होगी। और एम्प्टी सेट को हम राइट किससे करते हैं, सिंबल फाई से। फॉर एग्जांपल अब वो मिसाल से आपको करेगा एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 4, 5, 6, दो सेट्स उसने लिए हुए हैं, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में देखें एलिमेंट्स हमारे पास 1, 2, 3 एंड सेट बी में एलिमेंट्स हमारे पास 4, 5 एंड 6। दे आर डिसजॉइंट सेट्स। क्यों डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्योंकि अभी हमने डिफाइन किया है कि डिसजॉइंट सेट्स कोई भी दो ऐसे सेट्स हैं जिनमें हमारे पास कोई एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो। लाइक अब देखें सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं कितने, 4, 5 एंड 6। बिकॉज अब ये डिसजॉइंट क्यों है, इन दोनों सेट में एक भी एलिमेंट हमारे पास क्या है, कॉमन नहीं बन रहा। सेकेंड डेफिनेशन पे आएंगे सारे बच्चे, वो है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स में हमने क्या देखना है कि दो सेट्स हमें दिए गए हैं उनको कंपेयर अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास उनकी कंपेयरिंग के दौरान सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन क्यों नहीं निकल आता, ठीक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन ना हुआ कॉमन हो, तो वो हमारे पास दो सेट्स आपस में क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। इसकी डेफिनेशन पे आएंगे ज़रा सारे बच्चे, वो कह रहा है टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। दो सेट्स, फिर अगेन हम यहाँ पे मैं बता रही हूँ सेट को डिफरेंट नेम दे सकते हैं, तब हम इनको ओवरलैपिंग सेट कहेंगे इफ़ देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बिटवीन देम, वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम बट नॉन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर। वो कह रहा है कि सिर्फ इसमें इन दोनों में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारे पास कॉमन क्यों नहीं आ रहा, और ये देखें लेकिन वो क्या है, उसका सबसेट नहीं होना चाहिए दूसरे सेट का, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज़ नॉट एम्प्टी सेट, इनका इंटरसेक्शन कभी भी हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब वो आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू 0, 5 एंड 10, इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेट बी में एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 3, 5 एंड 7। अब हमारा काम क्या है कि हमने इन दोनों सेट्स, सेट ए को और सेट बी को क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 5 दोनों सेट्स में क्या बन रहा है, कॉमन बन रहा है, ठीक है। तो जो इसका हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होगा लास्ट पे, जो ए और बी का ओवरलैपिंग सेट होगा, वो हमारे पास क्या होगा, 5। तो मैंने अभी कहा कि ओवरलैपिंग सेट्स तब बनते हैं जब अगर दो सेट्स में एक ही एलिमेंट हमारे पास कॉमन क्यों ना हो। तो ये कौन से सेट्स होंगे आपस में, इस सेट ए एंड बी ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। अपनी थर्ड डेफिनेशन पे आएंगे सारे बच्चे, वो कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट कौन से सेट होते हैं हमारे पास।
कोई भी ऐसे सेट्स ठीक है जिनके ऊपर लाइक हमने दो तीन सेट्स हमें दिए गए हैं और उनके हमने ऊपर एट अ टाइम वर्क करना है, ठीक है, एट अ टाइम हमने काम करना है, तो उसमें अगर हम देखें तो क्या होगा कि वो सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, किस हवाले से, जिन सेट्स के ऊपर सारे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको देखते हुए उस सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो हमारे पास कौन सा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। डेफिनेशन देखेंगे सारे बच्चे, अ सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिड्रेशन। अंडर कंसिड्रेशन का मतलब है यहाँ पे कि वो तमाम सेट्स जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं उनको देखते हुए उस सेट को हमने देखना है कि अगर तो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए तो वो हमारे पास सेट कौन सा कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब वो एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स का यूनिवर्सल सेट है। मीन्स अ सेट डेट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल नंबर्स डैट वी कैन यूज़ फॉर काउंटिंग। वो कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अब काउंटिंग नंबर्स में तो वो लिमिट तो हमें कोई दे नहीं रहा, लिमिट काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2 ऑनवर्ड चलते जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, तमाम वो नंबर्स आएंगे जो कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं, काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट वी यूज अ सिंबल यू एंड इट इज़ रीड एज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। वो कह रहा है कि हम इसको इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल यू से, द यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज इक्वल टू यू, ठीक है, इसकी जो हमारे पास मैंने अभी आपको बताया रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अभी अभी उसने कोई लिमिट ही नहीं दी हुई, अगर तो वो कहता है 10 तक है तो फिर हम इसको स्टॉप कर देते 10 तक, ठीक है, लेकिन अभी वो कह रहा है कि अनलिमिटेड है हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। फोर्थ डेफिनेशन पे सारे बच्चे आएंगे, वो कह रहा है कि कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट वो होता है कि हमें यूनिवर्सल सेट के लिहाज से देखना होता है कि कोई भी दूसरे सेट में हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है। जैसे हमने 1.2 में एक क्वेश्चन किया था डिफरेंस बिटवीन द सेट्स, ठीक है, दो सेट्स में हम डिफरेंस करते तो हम क्या करते थे, माइनस कर देते थे, ठीक है। सेम उस तरह से हमने जब कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, वो लाइक आपको कह रहा है सेट बी है मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसका आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द यू, तो हम क्या करेंगे सेट यू में से जो है सेट बी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो वो जो लास्ट पे हमारे पास सेट आएगा इसका प्रोडक्ट आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट कहलाएगा, किसका, सेट बी का। डेफिनेशन पे आएंगे सारे बच्चे, कंसीडर अ सेट बी हूज यूनिवर्सल सेट इज़ यू। हमने एक सेट लिया हुआ है बी, ठीक है, जिसका यूनिवर्सल सेट है हमारे पास यू, देन द डिफरेंस, ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन यू और यू एंड बी इज़ कॉल्ड द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, तो उसको हम क्या, उसके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, सेट बी का ये क्या है, कम्प्लीमेंट है, विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल बी प्राइम, ठीक है। इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, बी प्राइम और बी सी, इसकी पावर में हम छोटी सी एक लाइन लगा देंगे तो ये प्राइम बन जाएगा, और उसकी पावर में अगर हम सी लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, बी कम्प्लीमेंट, एंड इट इज़ रीड एज अ बी कम्प्लीमेंट, सो वी कैन डिफाइन द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी एज बी कम्प्लीमेंट इज़ अ सेट, बी कम्प्लीमेंट हमारे पास वो सेट है विच कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स, इसमें तमाम एलिमेंट्स प्रेजेंट हों ऑफ द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के, ठीक है, सेट बी में वो तमाम एलिमेंट्स प्रेजेंट हों जो कहाँ पे प्रेजेंट थे, यूनिवर्सल सेट में, एंड विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट बी, और वो खुद अपने सेट बी का ही हिस्सा ना हो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका कम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब सारे बच्चे आएंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 पे, ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो किस हवाले किस हद तक ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। हमने पेयर ऑफ सेट्स दिए गए हैं हार्ड क्वेश्चन में, ठीक है, हार्ड पार्ट में दिए गए हैं, हमने उनको देखना है और हमें ये बताना है कि आया हमारे पास ये डिसजॉइंट सेट्स है या आया हमारे पास ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसी का हमारे पास, सॉरी पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास, सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड ई, जबकि हमारे पास सेट डी किसके, बी किसके इक्वल है, डी ई एफ जी एच, ठीक है। हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स को करेंगे कंपेयर। अब देखें डी हमारे पास किस में प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है और किस में प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, ई हमारे पास दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, तो हमने बात की थी कि कोई भी दो ऐसे सेट्स जिनमें तकरीबन एक ही एलिमेंट कॉमन क्यों ना हो वो कौन से सेट्स कहलाते हैं हमारे पास, ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास दो एलिमेंट्स कॉमन बन रहे हैं दोनों के दरमियान, तो ये हमारे पास कौन सा सेट होगा, ओवरलैपिंग सेट होगा। अब आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ आएंगे, वो कह रहा है सेट ऑफ, ये हम एक हमारे पास सेट है पी, उसमें आ रहे हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड एक सी सेट है उसमें क्या आ रहे हैं, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। आपको याद होगा जब जब 1.2 को हम कर रहे थे तो मैंने आपको रिमाइंड करवाया था प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो क्या सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आ रहे होते हैं, ठीक है, अपने टेबल पे ही डिविजिबल होते हैं,
जबकि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी और के टेबल में भी क्या होते हैं, इजीली डिवाइड हो सकते हैं। अब देखिए कंपोजिट नंबर्स वो नंबर हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, जो किसी दूसरे के टेबल में भी आ जाते हैं, और प्राइम नंबर्स की हमने बात की जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों सेट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कि इन दोनों सेट का कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं आएगा। इस बेस पे हमने कहा दीज आर द डिसजॉइंट सेट्स, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। अब आप लोग आएंगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे अपने, द सेट ऑफ इवन नंबर्स, एक है हमारे पास सेट और दूसरा सेट है सेट ऑफ द ऑड नंबर्स। एक सेट हमारे पास इवन नंबर्स का है और दूसरा सेट हमारे पास ऑड नंबर्स का है। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सारे के सारे 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे होते हैं, जबकि ऑड नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे होते। अब ये ऐसा सेट है जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ये ऐसा सेट है जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो इन दोनों सेट के बी एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट भी हमें कॉमन नहीं दिखाई देगा। इसी बेस पे इन दोनों सेट्स को भी हम क्या कहेंगे, ये कौन से सेट्स हैं हमारे पास, दिस जॉइंट सेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सारे, इफ़ यू इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन 10, ठीक है। ए हमारे पास सेट इसमें हमारे 1, 2, 3, 4, 5, बी सेट है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, सी सेट है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 एंड डी सेट है हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7। ये उसकी क्वेश्चन किया स्टेटमेंट, ठीक है। अब वो आपको कुछ पार्ट्स देगा, वो कहेगा कि इनमें से आपने मुझे इनका कम्प्लीमेंट फाइंड करके देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। हम और मैंने अभी आपको बताया था कि हम कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे किसको, सेट ए के एलिमेंट्स को। तो अब यूनिवर्सल सेट में देखें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3 से काउंटिंग नंबर आ रहे हैं 10 तक, और ये सेट है जिसमें हमारे पास नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम क्या करेंगे, सेट ए को माइनस कर देंगे किसमें से, सेट यू में से, ठीक है। तो ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर होता है यू माइनस ए के, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अगेन यू के सेट के एलिमेंट्स माइनस ए के सेट के एलिमेंट्स। अब देखें 5 तक तो इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, वो तो क्या हो जाएंगे माइनस। अब रह गई बात जो नेक्स्ट ऑनवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए का कम्प्लीमेंट होगा। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखेंगे, वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है डी का कम्प्लीमेंट। तो हम अगेन क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में के एलिमेंट्स को में से हम माइनस कर देंगे किस सेट के एलिमेंट्स, डी सेट के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में अगेन वही काउंटिंग नंबर्स 10 तक आ रहे हैं, जबकि डी में हमारे पास 3 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही, कहाँ तक जा रही है, 7 तक जा रही है। तो हमारे पास डी कम्प्लीमेंट बराबर किसके होगा, यू माइनस डी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे डी सेट के एलिमेंट्स को किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से। तो आप लोग देख लें इसमें 1 प्रेजेंट है, इसमें 1 नहीं था, तो ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 2 इसमें प्रेजेंट है, इसमें 2 नहीं प्रेजेंट, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 को देख लें, 3 माइनस 3 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 माइनस 4 0 वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर 5 माइनस 5 0। इस तरह से हम क्या करेंगे कि इन एलिमेंट्स को करेंगे माइनस, ठीक है। और इससे हमारे पास जो कम्प्लीमेंट डी सेट का आएगा वो है हमारे पास 1, 2, 8, 9 एंड 10, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर यहीं को होता है ख़त्म, और उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे समझ गए होंगे हर क्वेश्चन के पार्ट को। एंड अल्लाह हाफिज़।